सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव और मुख्य अग्निशमन अधिकारी डीके सिंह ने तहसील सदर के संयुक्त टीम के साथ मिलकर कचहरी क्लब परिसर में लगने वाले पटाखा की दुकानों की सुरक्षा के दृष्टिगत मॉक ड्रिल किया और सुरक्षा व्यवस्थाओं की तैयारियों का जायजा लिया, जिसके संबंध में सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने बताया कि कचहरी क्लब के मैदान सहित महानगर के 12 स्थानों पर अस्थायी पटाखों की दुकानें लगाई जा रही हैं, जिसको देखते हुए कचहरी क्लब परिसर में फायर विभाग और तहसील सदर की संयुक्त टीम के साथ मॉक ड्रिल किया गया और मॉक ड्रिल के जरिए आग से बचाव के संबंध में बताया गया है। उन्होंने बताया कि आग से बचने के लिए सभी दुकानदारों को अपने अपने दुकान पर बालू और बाल्टी में पानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। किसी कारणवश आग लगने पर उसका प्रयोग सही ढंग से कैसे किया जाए और कब किया जाए, जिसके संबंध में सभी दुकानदारों को जानकारी दी गई है, जिससे कि आपात स्थिति में आग पर नियंत्रण पाया जा सके। सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि वहाँ की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए एक टीम की तैनाती की गई है। इस अवसर पर मुख्य अग्निशमन अधिकारी डीके सिंह सहित तहसील की टीम और पटाखा विक्रेता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य अग्निशमन अधिकारी डीके सिंह और सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने कहा। बहुत आसान है, एक मात्रा उससे ज्यादा आप लोग रख लें, ये अलाउड नहीं है। अगर किसी का भी ऐसा पाया जाता है फायर विभाग या तहसील की टीम द्वारा जांच करने पे तत्काल उसका लाइसेंस निरस्त होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पहली चीज ये समझ, इन शेड में दुकानें जो बताया गया है अभी आपको सीएफओ साहब ने बताया है उसका पालन पहली चीज कर लीजिए। चार पांच चीजें मैं जरूरी बताना चाहूंगा, उसका ध्यान रखिएगा। दुकानें कम इसलिए है क्योंकि इस बार कोरोना का समय चल रहा था, तो इसलिए 61 से 32 दुकानें हो गई है, ठीक है। तो 32 में जिन लोगों को मिला वही कोई नहीं। गंदा मास्क उतना ही खतरनाक है जितना की मास्क ना पहनना, तो साफ सुथरा मास्क आप लगाए रखेंगे। अगर इनकेस आपको मास्क नहीं मिले, पूरे गोरखपुर शहर के अंदर 12 जगह पे अस्थायी आतिशबाजी के लाइसेंस निर्गत किए गए हैं, जहाँ पे उनकी दुकानें अभी लगना शुरू हुई हैं। कचहरी क्लब में 32 दुकानें लगी हैं, वहाँ पे फायर सर्विस के लोग और सिटी मजिस्ट्रेट साहब और तहसील के स्टाफ के और पूरे जितने लोग आतिशबाजी की दुकान लगा रहे हैं सबको इकट्ठा करके उनको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, आग लगने से पहले क्या सावधानी बरतनी है, अगर कभी ऐसी स्थिति आ जाए कहीं तो उसमें क्या सावधानी बरतनी है, उनको सब जानकारी दी गई। सबको बताया गया कि सभी दुकानों पे 2 फायर एक्सटिंग्विशर, बालू और पानी के ड्रम भर के रखेंगे और हैलोजन लाइट का प्रयोग नहीं करेंगे, कोई माचिस दिया सलाई भी नहीं रखेगा, किसी प्रकार के आतिशबाजी को यहाँ पे चला के उसका प्रदर्शन नहीं किया जाएगा, उसका ट्रायल नहीं लिया जाएगा, न तो बेचने वाले द्वारा न तो खरीदने वाले के द्वारा, और यहाँ पे किसी प्रकार की कोई भी ज्वलनशील सामग्री का प्रवेश नहीं होना, बच्चे नहीं रहेंगे दुकान पे, और उनको फायर एक्सटिंग्विशर चला कर उनको प्रशिक्षण दिया गया। अगर इस प्रकार की स्थिति आती है तो कैसे उसे निपटा जाए जिससे कि तुरंत कार्रवाई हो सके, और वहाँ पे एक फायर सर्विस की गाड़ी भी जब तक दुकानें रहेंगी वहाँ पे परमानेंट लगी रहेगी। एक प्रकार को वहाँ पे मॉक ड्रिल भी कराया गया और उनको प्रशिक्षण भी दिया गया उसे बचाव के लिए। देखिए 3 दिन के लिए अस्थायी पटाखे दुकानें 12 स्थानों पे लग रही हैं, तो उसी क्रम में जो पटाखे का अस्थायी दुकान लगा रहे हैं दुकानदार और जो भी वहाँ पे कर्मचारी अधिकारी ड्यूटी पे लगे हैं उनको एक फायर विभाग की जिला प्रशासन तहसील की संयुक्त टीम द्वारा एक मॉक ड्रिल करी गई कि इनकेस अगर कोई फायर का इंसिडेंट होता है तो कैसे उससे आप कॉम्बैट करेंगे, कैसे फाइट करेंगे। तो फायर फाइटिंग की पूरी मॉक ड्रिल थी, उनको बताया गया कि अगर कोई आग लगती है तो आप किस तरह फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करना है, किस तरह बालू और पानी का इस्तेमाल करना है, कितना इस्तेमाल करना है, यह उनको एक ड्रिल करके दिखाया गया और उनको भी इसमें पार्टिसिपेट कराया गया। कुल मिला के एक संदेश देना था सारे दुकानदारों को कि अगर इनकेस कोई इंसिडेंट होता है तो कैसे उससे बचा जा सकता है। इसके अलावा दुकानदारों को जो बेसिक मानक हैं, जो सुरक्षा मानक है, उसके बारे में बताया गया कि आपको ये चीज़ अपनी दुकान पर रखना है और ये सेफ्टी आपको अपनी दुकानों पर रखना है, तो इन सब चीज़ों को उनको बताया गया। और एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ जिसमें क्योंकि कोरोना महामारी चल रही है तो उससे बचाव के लिए उनको चीज़ें बताई गई हैं, जो प्रोटोकॉल है वो बताया गया है कि उनको मास्क पहन के ही विक्रय करना है और अनावश्यक अपनी दुकान के आगे भीड़ नहीं लगाने देना है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। सैनिटाइज़र क्योंकि पटाखे के साथ थोड़ा सा एक डेडली कॉम्बिनेशन बन सकता है, इसलिए सैनिटाइज़र का उपयोग वहाँ पर रोक दिया गया है और उसकी जगह साबुन से समय समय पर हाथ धोते रहने के लिए उनसे बोला गया है। तो कुल मिला के ये 12 स्थल पर जो दुकानदार लगाएंगे उनको बताया गया है कि आप इस तरह से अपना बचाव कर सकते हैं। और इसी के साथ वहाँ पर
टीमें भी तैनात कर दी गई जो कि उनके गतिविधियों देखेगी और फायर की और गाड़ियां जो है उसको तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है कलेक्ट्रेट में, जिसमें इनकेस किसी को अगर कोई सूचना मिलती है आग लगने की या पटाखे से आग लगने की तो वो तत्काल वहाँ सूचित कर सकता है, वहाँ से हमारी जो क्विक रिस्पॉन्स टीमें हैं वो तुरंत मौके पहुँचेंगी।